अभी भी सनी और सकीना जो अपनी अमीशा हैं वो लोग सेम दिखते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक मैंने अमीशा को पहले दिन सेट पर देखा तो आई वाज लाइक ये तो 22 साल कहाँ है बीच के. तो वो अनिल जी और मेरा चल रहा था कि कैसी मूछ होनी चाहिए, क्या ऐसी ताप वाली मूछ होनी चाहिए. तो मैं से जा रहा था तो इधर बगल में जो जवान खड़े थे वो अपने बगल वाले को कह रहे ऐसा होना चाहिए ऑफिसर, सब बहुत मिल जाए आसानी से. तो फिर वैल्यू नहीं रहे. और फिर जब सनी सर के साथ शूट करने लगा तो रिलाइज हुआ वो तो है ही तारा सिंह. जो जोश जो मैंने महसूस किया उनका वो रियल जोश. अकेले रहने का फायदा ये होता है कि आप खुद को समझा लें. कर्नल रावत के बारे में उनका एक डायलॉग हो जाए. जानना चाहता था आपके यूनियन से 50 ट्रक हो पाएंगे. जंग के आसार है तारा सिंह जी, बैकअप की तैयारी करना चाहता हूँ. गदर 2 की चर्चा हर जगह हो रही है और उससे ज्यादा चर्चा हो रही है उसकी एक एक कैरेक्टर्स की. मतलब सारे कैरेक्टर्स इतना वैल्यू रखते हैं कि सभी बातें कर रहे हैं और उनमें से एक कैरेक्टर मेरे साथ है जो कि बहुत ही हैंडसम है और पावरफुल है. वेलकम गौरव. आई थिंक मैंने कुछ ग्लिम्प्स देखे हैं आपके और जो आपका लुक दिया है और जो पार दी है बहुत सही लग रहा है. कोशिश कर रहे थे कि कुछ अलग हटके करें और अपना ऐसा रूप भी दिखाएं जो पहले ना दिखाया हो. पर साथ ही साथ क्योंकि एक एक्चुअल कहानी की सेटिंग है, 1971 वाला वो इंडिया पाकिस्तान का जंग वाला माहौल है जी. तो ये तो ऐतिहासिक एक वक्त है हमारे देश के लिए. उस वक्त एक आर्मी ऑफिसर का पार्ट तो मुझे लगा कि थोड़ा रियल होना चाहिए, फिल्मी नहीं. तो बहुत कोशिश की कि 1970 का आर्मी ऑफिसर दिखे. अच्छा, आज का नहीं. अच्छा. और अगर मर्दानगी वाली बात भी हो तो उस वक्त वाली हो, आज वाली नहीं. तो शरीर थोड़ा चेंज किया, खाना पीना चेंज किया, डील डॉल थोड़ा चेंज किया, वेट थोड़ा पुट ऑन किया, मूछ चुनने में 20 दिन लगाए. हाँ, कि वो अलग अलग उगा के देखनी पड़ती थी कि मोटी लंबी छोटी गहरी कितनी रखनी चाहिए. वो मेरे दिमाग में कुछ एक ऐसे ही एक इंप्रेशन था कि वर्ल्ड वॉर 2 के फाइटर पायलट जैसा होना चाहिए, एक स्मार्ट ऑफिसर. जब भी पर्दे पर आए आपको लगे हाँ ये आ गया, ये कर लेगा, ये है तो हम ठीक हैं. तो कर्नल रावत में वो बात है कि वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो वो जिम्मेदारी निभाने और रक्षा करने के लिए आते हैं और आपको उनको देख कर वैसा ही महसूस होना चाहिए कि ये आ गए अब ठीक है. तो ये मुझे ना सबसे इंटरेस्टिंग तो पहले ये 20 दिन की मूछों वाला कहानी आप बताइए. रियल मूछें आपने उगाई और कैसे करते हैं? जी कैसे जी वो देखिए क्या है कि मूछ एक बार काट दी तो काट दी. हाँ वही तो. तो अब पहली बार जब ट्राई करनी है तो आपने थोड़ी सी शेव की, थोड़ी सी ट्रिम की, थोड़ी सी कुछ एक उसको रूपरेखा दी. हाँ. अब आपको लगा कि इसकी फोटो खींचने के बाद अब थोड़ा और करें तो अच्छा, थोड़ा और किया. पर अब करने के बाद अगर वापस जाना है तो आपको फिर से 10 दिन वेट करना पड़ता है, 5 दिन वेट करना पड़ता है. तो वो अनिल जी और मेरा चल रहा था कि कैसी मूछ होनी चाहिए, क्या ऐसी ताप वाली मूछ होनी चाहिए, क्या बिल्कुल एक अच्छी सी पॉइंट होनी चाहिए मूछ की. बट फाइनली जो ये एक लुक हमने बनाया वो अच्छा दिखने से ज़्यादा रियल दिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि किसी को देखकर ऐसे लगे कि 1970 का एक मर्द जो एक आर्मी ऑफिसर है, यंग कर्नल फ्रॉम द इंडियन आर्मी. तो जब वो क्लाइमैक्स में टैंक पर खड़े होके आए तो ताली बजनी चाहिए ना. सो आपका लुक बहुत हैंडसम है तो मूछों की बात तो हो गई, बाकी जो आपका इनपुट है आपके कैरेक्टर के लिए, आपके स्पेशल लुक के लिए, डायलॉग्स के लिए, वो कितना था? देखिए क्या हो जाता है कि डिपेंड करता है आप किस किस्म के फ्रेम ऑफ माइंड में हैं एज एन एक्टर. मैं ऑलरेडी कुछ अच्छा कुछ अलग करना चाहता हूँ कि मूड में ही था लॉकडाउन के बाद और सिर्फ 3 रोल्स के चुने और बाकी सबको मना कर दिया जी. बच्चन पांडे जिसमें मैं मेन विलन था अक्षय के ऑपोजिट, उसके बाद राणा नायडू जो नेटफ्लिक्स पे थे वो बिल्कुल अतरंगी सा एक कैरेक्टर है जो नॉर्मली मेरे साथ लोग रिलेट ही नहीं करते. और फिर उसके बाद गदर 2, पर इन तीनों में वो वेरिएशन दिखाने का मौका था मुझे, बिल्कुल नेगेटिव दूसरे टाइप के शेड्स और फिर यहाँ पे बिल्कुल पेट्रियाटिक पॉजिटिव कैरेक्टर. तो अलग दिखना तो लाजमी था ही, साथ ही साथ तीनों के लिए एक अलग किस्म की दुनिया बसानी पड़ी. राणा नायडू एक अलग किस्म की दुनिया है, उसमें देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, तेलुगु इंडस्ट्री से आया है, साथ में मेरे सचमुच तेलुगु इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स और एक्टर्स थे तो वो माहौल वहाँ रियल हो गया बिल्कुल. और गदर के लिए वो वेट पुट ऑन करना, उस किस्म का डील डॉल बनाना तो एक तरफ बात है. जो इतना वक्त आर्मी वालों के साथ बिताया, कंटोनमेंट एरिया में बिताया, उनके साथ खाया पिया उठा बैठा, वर्दी पहनकर चलता था तो जीप में आता जाता था तो वो गार्ड सल्यूट कर रहे थे,
मैं भी आगे से नॉड कर रहा था विदाउट रियलाइजिंग, मतलब वो इतना रियल हो गया था उस वक्त. उनकी ज़िंदगी समझना, उनके घर पर जाना, उनकी उनका जज्बा या इंडिया पाकिस्तान का क्या है, वो उनको ये जंग में कैसा महसूस होता है, वो सब बातें बहुत बारीकी से समझी. तो कहीं बड़ा रियल हो गया वो एक्सपीरियंस. और फिर जब सनी सर के साथ शूट करने लगा तो रियलाइज हुआ वो तो है ही तारा सिंह. तो मैं कर्नल रावत बन गया था, वो तारा सिंह ही हैं, तो एक्टिंग ही नहीं करनी पड़ी. वो पहला सीन जो है हमारा, जिसमें जहाँ से पिक्चर एक्चुअली शुरू होती है, उस पहले सीन में ही वो सुर बिल्कुल बैठ गया हमारे लिए, तो आसानी हो गई. अच्छा, अगर हम फ्लैशबैक में जाएं, यू नो, तो डू यू रिमेंबर एनीथिंग गदर वाला, और फर्स्ट आपने कब देखा था समथिंग लाइक दैट, जब आपके पास ये ऑफर आया और आपने हाँ बोला होगा तो समथिंग, यू नो, कि अरे मैं तो इतने साल पहले इस मूवी को देखा था, ये कैसा था, सो हाउ वाज दैट? मैं जब पिछली गदर आई थी तब तक मैंने एक्टर बनने का डिसीजन नहीं लिया था. अच्छा. हाँ, तो दिल्ली में था और मैंने गदर और लगान एक ही दिन देख डाली थी दोनों. अभी हाँ, तो मैंने एक्टर बनूंगा ये नहीं सोचा था, पर रुझान हो गया था. एक ही दिन दोनों देख डाली और बहुत एक्साइटेड था उस दिन कि अब हमारी हिंदी फिल्में ना बदल रही हैं कुछ. ये देखो स्केल कितना अच्छा है, ये एक फैमिली ड्रामा कमर्शियल पिक्चर है, वो एक न्यू एज किस्म की फिल्म मेकिंग को लेकर आ रही है. दोनों ही मुझे बहुत अच्छी लगी थी, अलग अलग मुख्तलिफ तरीके से. और इस बार जब गदर के लिए बुलाया गया और कहा गया कि इस बड़े जहाज़ पर अब आप भी आ जाइए, जो पिछले 22 साल से चल रहा है ये जहाज़ और बहता ही जा रहा है, तो मुझे बहुत एक वो खुशी की फीलिंग हुई कि अब एक छोटा सा नाम मेरा भी होगा इस बड़े इस लेजेंडरी ब्रांड के साथ, मेरा भी नाम जुड़ेगा. तो ऑफकोर्स वो मौका तो मैं नहीं छोड़ना चाहता था, पर अनिल जी के मुंह से नरेशन सुनी और झटपट हाके दी. तो बड़े से ब्रांड में छोटा नाम नहीं है, नाम ऑलरेडी पहले से ही बहुत बड़ा है. तो अगर शूटिंग लोकेशंस वगैरह की बात की जाए और समथिंग बिहाइंड द सीन वुड लाइक टू शेयर विद अस कि व्हाट हैपेंड. जी, पिक्चर की रिलीज के बाद ये सब मैं बहुत आराम से एक बार और बैठूंगा आपके साथ, क्योंकि तब हम फिर बेखटके वाली बातें करेंगे और मैं आपको बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी बातें बताऊंगा. अभी हर चीज़ से कुछ ना कुछ रिवील हो जाएगा, इसलिए सोचना पड़ता है. हमारी पहली शेड्यूल पालमपुर में थी, धर्मशाला के पास, दिसंबर 21 में. बहुत ठंड थी, दो दो थर्मल्स पहने हुए थे अंदर शूटिंग के. पर जो मज़ेदार बात थी वो ये कि मैंने उस वक्त ये सारा वक्त आर्मी वालों के साथ बिताया. मेरे आसपास मेरे सीन्स में जितने भी जवान आप देखेंगे फिल्म में, वो रियल आर्मी के जवान हैं जिनके हाथों में रियल हथियार हैं, कुछ भी मेक बिलीव नहीं है. जो जोश जो मैंने महसूस किया उनका, वो रियल जोश था. एक दिन एक सीन करते वक्त जहाँ पर मैं एक और ऑफिसर को थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको मोटिवेट किया, तो मोटिवेट करने के बाद शॉट ख़त्म हुआ तो मैं से जा रहा था, तो इधर बगल में जो जवान खड़े थे वो अपने बगल वाले को कह रहे ऐसा होना चाहिए ऑफिसर. तो वो मतलब मेरे लिए वो एक सर्टिफिकेट मुझे वहीं मिल गया, एक अवार्ड मुझे वहीं मिल गया कि रियल आर्मी के जो जवान हैं उनको लगा कि उनका ऑफिसर ऐसा ही होना चाहिए. तो लाइक आई सेड, ये मेरे लिए बड़ा रियल एक्सपीरियंस है. ना मैंने दिखने में कोई ग्लैमर कोशेंट के बारे में सोचा, ना मैंने ये सोचा कि मैं 10 किलो वेट पुट ऑन कर रहा हूँ तो मैं कैसा दिखूँगा, मेरा चेहरा बड़ा हो जाएगा, मेरा शरीर बड़ा हो जाएगा. मैं वैसा ही दिखना चाहता था जैसे कि लाइक आई सेड 1970 के मर्द और आर्मी ऑफिसर होना चाहते हैं. मेरा रवैया, मेरी बातचीत, मेरा एक्सेंट, वो सब एज ट्रू टू हाउ इट शुड बी, वैसा करने की कोशिश की. इट्स अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर मी. वो वर्दी और वो माहौल और वो जो फीलिंग मुझे आई ये सब करते हुए, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फिल्म दिखाई गई और वहाँ से आर्मी ऑफिसर्स ने कॉम्प्लीमेंट्स भेजे फिल्म वालों के ज़रिए, और जो हमारे आर्मी कंसल्टेंट्स थे उनके ज़रिए कि वो प्लीज़ गौरव ने बहुत अच्छी ये निभाई है आर्मी की जिम्मेदारी, उन्हें बताइए हमारी तरफ से. तो ये दीज आर वेरी स्पेशल मोमेंट्स फॉर मी. अभी इंतज़ार ऑडियंस का है, अब ऑडियंस देख कर बताएगी. तो कभी ऐसी फीलिंग आई इतना रिस्पेक्ट मिलने के बाद कि काश मैं इस प्रोफेशन में होता? कभी ऐसा हुआ? नहीं, देखिए यहाँ पर बड़ा एडवांटेज है ना, आर्मी ऑफिसर भी बन जाता हूँ, देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार भी बन जाता हूँ, अलग अलग रोल्स प्ले कर लेता हूँ. तो यहाँ पर द मोर द मेरियर वाली बात है. कोशिश यही है कि जो भी कैरेक्टर बनकर आपके सामने आऊँ इसके बाद भी,
तो कुछ एक ऐसा अपने साथ लेकर कि आप उस कैरेक्टर को देखने के बाद कहें कि गौरव के अलावा इसे इसमें मैं किसी को इमेजिन नहीं कर सकती। यही एक छोटा सा लालच मेरा होता है, कुछ एक ऐसा सिग्नेचर आप कर दें उस परफॉर्मेंस पे या उस कैरेक्टर पे कि ऑडियंस कहे कि हाँ बस यही होना चाहिए था। अच्छा, गदर 2 इतनी पुरानी है, लाइक जैसा आपने बोला कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगा, मैं कॉलेज टाइम में थी मुझे याद है, और लगान गदर सारी चीज़ें, लेकिन उसके जो गाने हैं ना अभी भी उतने ही एकदम लाइव हैं और गाए जाते हैं, डांस किए जाते हैं, और वो हैंडपम्प वाला आपको याद ही होगा। तो इस तरह के कितने आइकॉनिक चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी इस मूवी में। हाँ, वो जैसे शोले की कुछ चीज़ें आइकॉनिक हैं ना, वैसे गदर की भी कुछ चीज़ें आइकॉनिक हैं, और आई थिंक वो हमेशा रहेंगी बिकॉज अलग अलग जनरेशन ने उसे बार बार डिस्कवर किया है। ऐसा नहीं हुआ कि वो पहली एक जनरेशन ये रिपीट में देख रही है, ये उसकी एक अगली जनरेशन ने केबल पे देखा, फिर उन्होंने नॉर्मल ZTV पे भी देखा या नॉर्मल टेलीविज़न पर, फिर लोगों ने उसे OTT पे भी देखा है। अब वो अभी दोबारा री-रिलीज़ की गई थी तो भी लाखों लोग जाके देखा है, इन्होंने काफ़ी पैसा कमा लिया उससे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आई थिंक वो चाहे गाने हों, चाहे वो हैंडपम्प वाला सीन हो, चाहे वो डायलॉग्स हों, चाहे वो कैरेक्टर्स हों, चाहे वो उन कैरेक्टर्स के बीच की मोहब्बत हो, वो इतनी जनरेशन्स ने पसंद की है पिछले 22 साल में, उसे इरेज करना मुश्किल है। हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद द एंटायर कास्ट, लाइक कुछ लोग रिप्लेस भी हुए हैं जो नहीं है, लाइक अमरीश जी की जगह कोई और है एंड ऑल, सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? इट्स नॉट द सेम कैरेक्टर, बट मतलब वो सेम कैरेक्टर को कंटिन्यू नहीं कर रहा, इट्स अनदर कैरेक्टर दैट इज़ बीन क्रिएटेड। अमरीश जी की कमी का कोई कोई कॉम्पनसेशन ही नहीं हो सकता। स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1980s में कह दिया था ही इज़ द बेस्ट विलन इन द वर्ल्ड, सो दैट्स द अमरीश जी, बट दिस इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर, सो आई एम श्योर ऑडियंस अलग तरीके से देखेगी। द होल पार्ट रियली इज़ दैट कहानी वही है और कंटिन्यू जो हो रही है वो वैसी हो रही है जैसी होनी चाहिए, एक बहुत लेजिटिमेट कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टोरी है। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप पिछली गदर देख रही हैं और वो ख़त्म हुई और उसके बाद लिखा आया 17 साल बाद और ये कंटिन्यू हो गई, और ये उतनी स्मूथ है, ये इसमें कोई जर्क नहीं महसूस होगा आपको कि ओ चेहरा बदल गया, ओ कैरेक्टर बदल गया, ओ फिल्म मेकिंग बदल गई। ये सेम इमोशन को कंटिन्यू लेकर चलती है और जिन कैरेक्टर्स को ऑडियंस ने इतना पसंद किया उनकी ज़िंदगी को दो कदम और आगे लेके जाती है, फिर उनकी ज़िंदगी में हम लोग भी आ जाते हैं, तो फिर मैं खुश हूँ। एक चीज़ मैंने नोटिस की, भले 17 साल या कितने साल भी एक गैप भले दिखाए, सीक्वल ट्रेलर दिखाए, लेकिन तभी भी सनी और सकीना जो अपनी अमीशा हैं वो लोग सेम दिखते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, लाइक नो बाब, ये तो यू नो द एक्चुअल उनकी अकम्पलिशमेंट है, ये तो कुछ स्पेशल नहीं किया गया। मतलब अब इतना वक्त एक्चुअली बीता है और कहानी में भी बीता है, बट अगर वो वैसे दिख रहा, जब मैंने अमीशा को पहले दिन सेट पर देखा तो आई वाज लाइक ये तो 22 साल कहाँ है बीच के, शी सो फिट एंड शी वाज लुकिंग सो गुड, एंड सनी सर इज़ लाइक तारा सिंह ओनली, मतलब वो बिल्कुल तारा सिंह है, वो सेम ही हैं दोनों, वो इसीलिए वो उस रोल में इतने खूबसूरत लगते हैं बिकॉज कोई फ़र्क नहीं, वो वैसे ही हैं बिल्कुल, अपनापन प्यार के साथ अपने साथ जोड़कर बिल्कुल देश की मिट्टी वाली फील है उनकी, और जब उनको एक्सप्लोजन करना होता है तो बैम। ओके गौरव, अगर आपके करियर के बारे में बात करें तो हाउ डू यू सी योरसेल्फ, लाइक अगर ग्राफ की बात करें, सो एवरीथिंग व्हाट यू वांटेड यू गॉट इट ऑन टाइम और समथिंग लाइक दैट? आई डोंट नो, आई डोंट जज इट लाइक दैट, यू नो जिंदगी आपको सिखा देती है कि जिंदगी आपकी तरह से नहीं हो सकती, आपको जिंदगी की तरह होना पड़ता है। जिंदगी से ज़्यादा ख्वाहिश नहीं रखता मैं, ज़िंदगी के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा मानना है। आई फील दैट देर आर अप्स एंड डाउन्स एंड देर आर गुड फेजेस एंड बैड फेजेस, और हर बार जब आप गिरें तो उठते वक्त जब वो दर्द महसूस होता है चोट वाला, तब खुद को ये याद दिलाएं कि अब जो गिरा था तो अब उठने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, सो यानी वो रात के बाद अब सुबह आएगी, सुबह के बाद फिर रात भी आएगी, बट इट ऑल हैपन्स इन फेजेस, और ना खुशी से ज़्यादा खुश हो जाइए और ना गम से ज़्यादा दुखी हो जाइए, इज़ द एफर्ट। कहना आसान है पर कोशिश करता हूँ।
सबसे बिगेस्ट जो लर्निंग था लाइफ का वो कब हुआ आपका, पर्सनल या प्रोफेशनल में दोनों की बात करूँ तो? लाइक इफ आई कैन रिपीट योर सेंटेंस कि जब आप गिरे और आपको उठना ही है, समथिंग लाइक दैट। बहुत बार गिरा हूँ, गिरा ज़्यादा हूँ, फेलियर ज़्यादा हैं लाइफ में। उन फेलियर्स की बात नहीं होती, अकम्पलिशमेंट्स की बात होती है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, आज हम गदर की बात कर रहे हैं, इस दौरान ना जाने कितने शोज छोड़े, कितने पैसे का नुकसान उठाया, कितनी जगह उन मुश्किलों का सामना किया जहाँ होर्डिंग्स प्रमोशन से आपको निकाल दिया गया। अभी तक ऐसा होता है। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं, पर वहाँ पर कुछ एक फिल्म एक्टर टीवी एक्टर वाला वो चीज़ अभी भी चलती है। तो मुश्किलें हैं, जब तक स्ट्रगल है तब तक आपको महसूस होता रहता है कि ज़िंदा है। जब सब बहुत आसान हो जाएगा तो फिर बोरिंग हो जाएगा बिल्कुल। पर जो सीखने वाली बात है वो ये, दैट एवरी टाइम यू फॉल डाउन, एवरी टाइम यू फील हर्ट, एवरी टाइम यू फील लो, यू हैव टू टेक योर टाइम, हील, लर्न फ्रॉम इट एंड देन गेट अप। बिकॉज जब उसके बाद आप खड़े होते हैं तो अब आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर खड़े होते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपने उस चीज़ के लिए इम्यूनिटी बिल्ड कर ली। कोविड टर्म्स में कहूँ तो, कि जिस चोट से आप गिर गए थे उससे जब हील हुए, समझे, अपने आप के अंदर उस लर्निंग को डाला और वापस खड़े हुए, अब आप उस चोट के लिए तैयार हैं अगली बार। सो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है फॉर अ ह्यूमन बीइंग। आप खुद को डिस्कवर करते हैं और होपफुली यू आर अ बेटर ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ इट। एनी टाइम इन पर्सनल लाइफ व्हेन यू फेल्ट लाइक डिसअपॉइंटेड और गिर जाना टाइप से? नहीं, मतलब ये कोविड के बाद से एक मेरी पर्सनली एक बहुत ही मुश्किल वक्त रहा है, और उसके साथ साथ आप इस टाइप के प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, वो एक अलग चैलेंज होता है। आपके पास बेड से उठने की मोटिवेशन नहीं है और अब आपको गदर के लिए एक किस्म का डील डॉल बनाना है, मुश्किल हो जाता है। अगर आपने अपनी पूरी इमोशन और अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट परिवार के लिए कर दी हो और फिर वो परिवार छिन जाए आपसे, तो आप थोड़े से अकेले और डिप्रेस्ड फील करते हैं। बट इट्स ओके, आई थिंक इट्स ओके। आप जब भी लो हो, जब भी बिल्कुल अंधेरे में गुम हो जाएं, तो इंतज़ार कीजिए। अगर आपके पास लाइटर नहीं भी है, टॉर्च नहीं भी है, थोड़े वक्त के बाद वो सूरज उगेगा, खिड़की से रोशनी आ जाएगी। तो वो थोड़ी सी पेशेंस सीख ली और ख़ुद को समझाना भी सीख लिया। अकेले रहने का फ़ायदा ये होता है कि आप खुद को समझा लेते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे गदर आइकॉनिक है और अभी एक दूसरी बनने वाली है, आई एम श्योर कि अभी इतनी बातें हो रही हैं ना, ऐसा लग रहा है गदर रिलीज़ हो चुकी है और उसके बाद लोग इसकी सक्सेस बना रहे हैं, इतनी सारी बातें हो रही हैं। ऐसे ही आपने टीवी में इतने सारे काम किए हैं, ट्रस्ट मी कि लोगों को अभी तक वो सारी चीज़ें याद हैं, तो वो भी एक यू नो आइकॉनिक चीज़ें बनी हुई हैं जो आपने की हुई हैं, तो हाउ डू? देखिए वो आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली दो, बिकॉज यू नो आप अपने किए हुए काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो फिर वो थोड़ा सा इट्स अ गुड थिंग, नो इट्स आई मीन पॉजिटिव वे, आई एम आस्किंग। नो, मैं पॉजिटिव वे में ही कह रहा हूँ, मैं फुल अप्रिशिएटिवली उस बात को ले रहा हूँ कि मुझे उस बात का इल्म है कि मैंने कुछ ऐसा काम किया है जो लोगों को अभी तक याद है, और ये बहुत बड़ी बात है। रोज़ एक नया एपिसोड आ जाता है, तो इतने सारे शोज़ में वो कुछ मेरे शोज़ और रोल्स के कुछ सीन्स अगर लोगों को याद है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत लकी हूँ, लकी रहा हूँ कि मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मिलते हैं जहाँ पर मैं वो छाप छोड़ पाता हूँ। कर्नल रावत भी कुछ एक ऐसे ही कैरेक्टर हैं जिनके नंबर ऑफ सीन्स इतने नहीं हैं पर उनकी छाप वैसी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि जब फिल्म आएगी और लोग देखेंगे तो क्लाइमैक्स में कर्नल रावत के लिए भी उतनी ही ताली बजेगी जितनी बाकी एक्टर्स के लिए। तो बस फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा, हाउ डू यू सी द जब आप टीवी किया करते थे तब का फेज और अब का फेज? आई मीन डू यू वॉच टीवी, बिग बॉस टाइप कंटेंट और समथिंग रियलिटी? ज़्यादा मुझे नहीं पता फ़र्क क्या है, क्योंकि मैं सिर्फ इतना समझा जो भी मैंने लास्ट काम किया था उसमें कि क्लिनिकल हो गया है ज़्यादा और फीलिंग थोड़ी कम है, और टेलीविज़न मेरे ख्याल से फीलिंग वाला मीडियम है। लोग अपने घर पर बैठकर डिनर के साथ आपको देखते हैं, वो कैरेक्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं रोज़ रोज़ रोज़, आप उनके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं।
तो उसमें एक फीलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, वो मुझे ऐसा लगा कि कम होती जा रही है। सोशल मीडिया एक अजब जानवर है, तो उस पर तवज्जो ज़्यादा है और दूसरी चीज़ों पर कम। शॉर्ट्स के बीच में रील बनाने का ख्याल ज़्यादा है और शॉर्ट में कुछ बहुत ऐतिहासिक करने का ख्याल कम है। शॉर्ट ख़त्म करो और रील बनाओ, शॉर्ट में ही कुछ ऐसा करो जिसकी रील बने, ये नहीं सोचते। पर वो खुद कुछ करने का, कुछ एक अच्छा रील में डांस करना, डाल इधर बनाना, ये सब बुरा नहीं है, पर वो इट टेक्स अवे फ्रॉम योर फोकस एंड दैट शुड नॉट हैपन। आई फील एक्टर्स हैव वेरी डिफिकल्ट लाइव्स एंड दे शुड रियलाइज व्हाट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर। एंड हाउ डू यू सी सोशल मीडिया, लाइक यू आर प्राइवेट काइंड ऑफ पर्सन, मतलब इतना ज़्यादा आप ऐसा नहीं है कि रोज आप बाहर जाओ और गेट क्लिक्ड एंड एवरीथिंग, सो किस तरह से आप देखते हैं? शुक्र है कोई तो जाना मैं जानती हूँ तो आपकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम रोज कहीं देखें और पैप्स पीछे पीछे जाएं, तो आपने खुद को प्राइवेट रखा है, आप चाहते तो आप भी कर सकते थे, सो हाउ डू सी दिस फेज, लाइक यू नो आई थिंक जो भी मुझे कहना है और करना है वो मैं स्क्रीन पर कहता हूँ। मैं अपना बहुत कुछ स्क्रीन पर दे देता हूँ, अब उसके अलावा जो बचता है वो मेरा रहना चाहिए। उसको एक नॉर्मल सी, उसको एक सैनिटी बरकरार रखने के लिए, मेरा बेटा है वो बेंगलोर में रहता है, तो मैं ये चाहूँगा कि बड़ा हो तो उसको लगे कि उसके पिता भी कुछ काम करते हैं जैसे बाकी लोगों के पिता काम करते हैं। किसी के पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी के पिता लॉयर हैं, मेरे पिता एक्टर हैं। हाँ, मैं ये चाहूँगा कि उसे लगे कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसे कुछ अलग महसूस नहीं होना चाहिए, कुछ सेलिब्रिटी वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अपना काम करें, अपनी दुकान बंद करें, ताला लगाएं, घर आ जाएं सरल इंसान की तरह, सरल ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। मेरी ज़िंदगी भर यही कोशिश रही है, पर देखते हैं। बट सभी तो मतलब अगर एक किसी के पास अगर किसी चीज़ का बेनिफिट है, जैसे आपने बोला कि एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, तो आप वो नहीं चाहते कि बच्चे को वो वाली फीलिंग आए कि मेरे डैड एक सेलेब है, या फिर उस तरह से कुछ बेनिफिट्स मिले? जिस चीज़ की कोशिश एक आम बच्चा करता है, मांगता है, चाह रखता है, ख्वाहिश रखता है, फिर वो पूरी होती है, वैसे ही उसके साथ भी होना चाहिए। फिर आप चीज़ों को वैल्यू करते हैं, सब बहुत मिल जाए आसानी से तो फिर वैल्यू नहीं रहती। बहुत अच्छी बात है ये तो। और जाते जाते क्या कहेंगे कर्नल रावत के बारे में, उनका एक डायलॉग हो जाए जो बहुत फेमस हो, और मैं चाहूँगी तो मतलब मेरी ये विश है कि वो इतना पॉपुलर हो जाए कि लोग यू नो आप भले सोशल मीडिया से दूर हैं लेकिन लोग उसे सोशल मीडिया पर जरूर फैला दें। नहीं, कर्नल रावत का ये डायलॉग का एक हिस्सा ट्रेलर में है, मैं उसी की एक्सटेंशन बता देता हूँ। फिल्म एक्चुअली इसी डायलॉग से शुरू होती है, कहानी का गेयर चेंज होता है यहाँ से, तो वही बता देता हूँ। कर्नल रावत तारा सिंह को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और पूछते हैं बहुत सारी बातचीत के बाद, जानना चाहता था आपके यूनियन से 50 ट्रक हो पाएंगे? जंग के आसार हैं तारा सिंह जी, बैकअप की तैयारी करना चाहता हूं।